मुस्लिम समाज ने इस बार ईद नहीं मनाने का बड़ा निर्णय लिया है। धर्म गुरु ने कहा कि नए जूते, कपड़े, मेकअप का सामान, ज्वेलरी ना खरीदें, गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं। कोरोना वायरस के कारण देश संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद नहीं मनाने का निर्णय लिया है। जामा मस्जिद पेश इमाम मौलवी खलीक अहमद कासमी साहब गंगापुर सिटी का कहना है कि रमजान के पाक महीने में मस्जिदों में जुमे की नमाज बंद है, तरावी बंद है, इत्तेकाफ नहीं हो रहा है, मक्का में तवाफ बंद है, उमरा रद्द हो गया है, ऐसे में नए कपड़े, जूते, चप्पल, ज्वेलरी क्यों खरीदें? सादगी के साथ ईद मनाएं। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या मर्द या नौजवान हो, कोई भी बाजार में ना जाए। अब आप सब मुसलमानों से मेरी आखिरी दरख्वास्त यह है कि जो ईद के सामान, ईद का जो कपड़ा खरीदें या बनाएं, उसके न बनाकर उस पैसे को गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, अपाज, मजदूरों में तकसीम कर दें, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हो सके और उनके खाने का सामान एक महीने दो महीने का पहुंच सके। मुझे उम्मीद है अपनी ज़कात, अपने सदक़े फ़ित्र, अपनी खैरात रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा निकालें और गरीबों की मदद करें। हमने लॉकडाउन की वजह से और सरकार के कानून की पालना करते हुए हमने अपने जुमे को और तरावी को और जमात की नमाजों को कुर्बान कर दिया है, लिहाजा हम इस बात की भी कुर्बानी दें कि हम ईद के लिए न नए कपड़े सिलवाएं, न नए कपड़े ख़रीदें, न कोई जूते चप्पल ख़रीदें, न हमारी बहन, बेटियां, बहू और हमारी माएँ भी बाज़ार के अंदर नई चूड़ी,